आज हम लोग उत्तल दर्पण में किसी बीम को कहाँ पे रखने जा रहा हूँ, अनंत पर। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सीखेंगे। तो पहला काम क्या रहेगा, एक उत्तल दर्पण बनाना है। तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण का जो सरफेस अंदर तरफ घुसा हुआ है तो एक बाहर तरफ, बाहर तो किधर पॉलिश लगाओगे, अंदर की तरफ पॉलिश लगाओगे। इसके बाद क्या खींचा जाता है, मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका एफ सी किधर होगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इधर लगा दे। नहीं, हमने तो रेडियस लेकर के ऐसे ही ना घूमेंगे, तो घूमेंगे तो यहाँ क्या होगा एफ, और जितने दूरी है ये क्या होगा सी। समझा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस इसी तरफ रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहा हूँ, अनंत पर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, ये क्या है, अनंत पर, ये अनंत पर है ऑब्जेक्ट। समझा, अब अनंत में से, जैसे अनंत में सूर्य भगवान है, वहाँ से रेज कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो सीधा रेखा लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ तक, क्योंकि इधर ही तो सरफेस ना है मिरर का, तो ये लेके गए। अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गया कि नहीं, तो हम लोग इससे पहले अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो किससे, फोकस से पास होता है। तो इसमें भी फोकस से पास होगा, लेकिन इधर क्या है, मिरर की पॉलिश किया हुआ है, इसीलिए इधर तो रेज नहीं जाएगा। इसको एक्चुअली कैसे करना है, बैकट्रेट करना है, बैकट्रेट करके फोकस से पास कराना, ये मेन रेज है, ये ऐसे निकलेगी, मतलब ऐसे जा करके ऐसे वापस से आ रहा है रेज, ये रेज ऐसे जा करके मिरर में गिरा, गिरने के बाद ऐसे वापस गया, इसी रेज को मैंने बैकट्रेट किया, पीछे तरफ बढ़ाया, पीछे तरफ बढ़ाया तो किस में गया, फोकस। समझा, फिर और एक रेज लेके जा रहा हूँ मैं प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, गया। ये भी ऐसे ना वापसी होंगे, ये जैसे वापसी हुआ, इसी को पीछे बढ़ाते जाए तो कहाँ पे जा रहा है, फोकस हुआ। तो देखो ये दोनों रेज कहाँ पे कट हो रहा है, इस जगह पे फोकस। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज कहाँ पे बना, फोकस में बना। समझा, और ये मिरर था, ये मिरर का क्या है, पीछे साइड है, पीछे साइड में बन रहा है। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कितना बड़ा, बिंदु साइज, छोटा पॉइंट साइज बन गया, और क्या है, आभासी बनता है। जब भी मिरर के पीछे बनता है इमेज, वो आभासी बनता है। तो वही वही चीज़ लिखेंगे, क्या बना, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, फोकस में। उसके बाद कैसे, बिंदु साइज, मतलब पॉइंट साइज लिखता हूँ मैं, पॉइंट साइज को आप लोग बिंदु साइज लिख दोगे, पॉइंट साइज। समझा, मतलब ये जितना बड़ा था उससे छोटा हो गया, और कहाँ पे बना, मिरर के पीछे, मिरर के, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे हुआ। और क्या है बताओ, आवासी, आवासी, जब भी मिरर के पीछे बनता है तब भी ध्यान रखना है आवासी हो रहा है। ठीक, इतना लिखना है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया ना। तो ये कौन मिरर था, उत्तल। अवतल दर्पण में भी हम लोग बना चुके थे, कैसे होता था, अवतल दर्पण में भी इधर पॉलिश था, फिर पोल बनाते, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, तो अनंत पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते थे, फोकस से पास होता था, फिर और एक रेज लेके जाते थे, फोकस से पास होता था ना। तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी फोकस में ही बन रहा था, इतना बड़ा का फोकस में, पॉइंट साइज, हाँ ये मिरर के सामने बनता था, इस केस में मिरर के पीछे बन रहा है। ये है तुम्हारा वास्तविक और ये है आवासी, समझे, यही है अंतर। चलो ठीक।